तो दोस्तों भारतीय एयर विमेंस टीम ने विदेशी सर्जरी में इतिहास रच दिया है। जी हाँ, एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा आयोजित विमेंस इमर्जिंग टीम कप 2023 का फाइनल मैच जीतकर इंडिया ये महिला टीम ने अपने नाम करने में सफल रही है। इंडिया ये महिला टीम ने बांग्लादेश ये महिला टीम को 31 रनों से हराकर यह टाइटल अपने नाम करने में सफल रही। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जी हाँ, एशियन क्रिकेट काउंसिल कप विमेंस इमर्जिंग टीम कप जीतकर भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया है। बता दें कि हांगकांग में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेशी महिला टीम को मात दे दिया है। टीम इंडिया ने इस मैच को 31 रनों से जीतकर खिताब अपने नाम करने में सफल रही। दोस्तों इस फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और बोर्ड पर 7 विकेट खोकर 127 रन बनाने में सफल रही थी। पारी की शुरुआत करने उतरी कप्तान श्वेता सरावत और उमा छेत्री की जोड़ी ने मिलकर 28 रनों की पार्टनरशिप की, लेकिन इसके बाद कनिका आहूजा के 30 रन और वृंदा दिनेश के 36 रनों की बदौलत टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाने में कामयाब रही। बांग्लादेश की ओर से सुल्ताना खातून और नहीदा अख्तर ने 2-2 विकेट अपने नाम करने में सफल रही दोस्तों। जबकि जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम 19.2 ओवर में 96 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश की पारी के दौरान सिर्फ 3 ही बल्लेबाज ऐसे थे जो दहाई का आंकड़ा क्रॉस कर सके। टीम इंडिया की जीत के हीरो एक बार फिर से श्रृंखला पाटिल रही। बता दें कि श्रृंखला ने इस फाइनल मुकाबले में भी शानदार बॉलिंग किया और अपने 4 ओवर में 13 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किया। श्रृंखला पाटिल ने इस टूर्नामेंट में शानदार बॉलिंग करते हुए उन्होंने हांगकांग के खिलाफ मैच में 2 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किया था। यानी पूरे टूर्नामेंट में श्रृंखला ने कुल मिलाकर 15 रन देकर 9 विकेट हासिल किया था और उनके इस शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया दोस्तों। जबकि दोस्तों मन्नत कश्यप ने भी 3 और कनिका आहूजा ने 2 विकेट अपने नाम करने में कामयाब रही। वहीं कनिका आहूजा के इस शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया दोस्तों। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान टीम को 6 रन से हराकर बांग्लादेश फाइनल में पहुंचा था। साथ ही वहीं इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम एक मैच खेलकर ही सीधा फाइनल में पहुंच गई थी। बता दें कि भारतीय टीम के बाकी बचे 2 लीग मैच और सेमीफाइनल जो श्रीलंका के साथ होना था, बट ये मुकाबला बारिश के चलते नहीं खेला जा सका और लीग टेबल में टॉप करने के चलते भारतीय महिला टीम को फाइनल में जगह मिल गई थी दोस्तों। आप सभी लोगों को भारतीय महिला टीम के इस शानदार जीत के बारे में जो भी कहना आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।